चेन होगी लूप, बाइक भी होगी क्लीन। सूर्य देवता जी भी निकल आए हैं। और ब्लॉग की शुरुआत करना तो मैं भूल ही गया, तो कोई बात नहीं अभी कर देते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अमरदीन ओडन राइडर स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, मैं हो रहा हूं रेडी राइड के लिए। घर के बगल में खेतों से ही ब्लॉग स्टार्ट किया आज मैंने, और बड़े सुंदर खेत हैं। रात को हुई है बारिश इधर, और मौसम हो गया ठंडा हल्का हल्का। अभी धूप आई है तो थोड़ा सही लग रहा है। राइड में कहाँ जा रहा हूँ मैं सब राइड के दौरान बताऊँगा आपको। और ये दो तीन दिनों का टूर है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। इस टूर पे बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करूँगा और आप सभी को दिखाऊँगा। सो मैं हो गया हूँ रेडी, मैंने अपना टो बॉक्स लगा दिया, साथ में एक बैग लेके जा रहा हूँ, तो इसको बांधते हैं बाइक पे। मैंने ये इसलिए लगा दिया कवर ऊपर से कि आज थोड़ा सा बादल भी है और रास्ता जो है वहाँ पर मुझे धूल भी मिलने वाली, कच्चा रास्ता, आगे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है हाईवे का। चलो अभी निकलते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए हैं। ठीक है पापा, चल दे। बाइक को कोल्ड स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक, कोल्ड स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। वैसे अभी धूप आ गई है ना काफ़ी देर से, थोड़ा सा कर देते हैं एक दो मिनट के लिए स्टार्ट। फिर भी थोड़ा सा इंजन ऑयल जो होता है ना, एक टेम्परेचर तक पहुँच जाता है और एक बार सर्कुलेट हो जाता है पूरे इंजन पार्ट में ना, उससे फिर बेर एंड टेयर कम होता है। चलो टायर प्रेशर रास्ते में चेक करवा लेंगे पेट्रोल पंप पे ना, वैसे तो ठीक ही होगा। सो निकल चुका हूँ मैं अपने घर से, और ये अपना सुंदर सा रास्ता सड़क तक का। भाई हम अपनी इन सड़कों से वापस निकल के जा रहे हैं दूसरी स्टेट में। चलो जी यहीं से शॉर्टकट लेता हूं मैं। देखो भाई सामने जा रही है ओडी, और ये बच्चा जो है ना अभी तो नीचे हो गया पर निकला हुआ है। देखो ये लीगल नहीं है, रोड पे अगर गाड़ी चल रही है तो आप सनरूफ से ना बाहर नहीं आ सकते। ये अगर कोई देखेगा पुलिस वाला तो पकड़ लेगा इनको। मैं अभी हूँ नगरोटा के आसपास में, और नगरोटा के आसपास में हूँ तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। अभी तक मैंने बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो मैं जाने वाला हूँ पठानकोट, और पठानकोट जो है 120 किलोमीटर के आसपास है मेरे घर से, अभी तो और कम हो गया होगा। पठानकोट से बस आ गई, हम तो पठानकोट ही जा रहे हैं। मनाली जाएगी, अभी पहुँच ही जाएगी, शाम के 4-5 बजे तक पहुँचेगी मनाली है। सुबह चली होगी पठानकोट से। ये देखो ये है नगरोटा का बस स्टैंड, जो कि मेरे बहुत सारे ब्लॉग में है, कांगड़ा फोर्ट वाले ब्लॉग में है, बड़ो वाले ब्लॉग में भी देखने को मिल जाएगा आपको। और भीड़ तो मिलना संभाविक है यहाँ पे, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ी आगे से है ना चंबा के लिए टर्न है, आना चाहिए यहीं कहीं से, आना चाहिए आगे से। और भाई मौसम का तो मिजाज कुछ ज़्यादा ही बिगड़ता जा रहा है। जैसे जैसे मैं पठानकोट की तरफ बढ़ रहा हूँ ना, वैसे वैसे मौसम का और ज़्यादा डरावना होता जा रहा है। अच्छा ये है, यहाँ से है ये देखो डलहौजी के लिए 100 किलोमीटर है यहाँ से डलहौजी। पठानकोट 60 किलोमीटर है और नूरपुर 37 किलोमीटर है, स्ट्रेट जाना है मुझे। और यहाँ से जाते हैं चंबकली शिव भूमि। जाओ भाई जाओ, शिव भूमि चंबा पधारने पर पर्यटन विभाग आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ से ही कर देता स्वागत, बड़ी दूर से नहीं कर देता वो स्वागत चंबा, यहाँ से तो डलहौजी के आगे जाके है। चल रहा है भाई, 4 लेन का काम बन जाएगा तो सफ़र थोड़ा सा आरामदायक हो जाएगा। हवा कुछ ज़्यादा ही है। ये देखो भाई रोड बनाने के लिए मकान तोड़ने पड़ रहे हैं ना, जो रोड के बीच में आ रहे हैं तो उनको तोड़ा गया है। पहाड़ों पे देखो चढ़े हुए मज़दूर काम करने के लिए, इस पर वो लगा रहे हैं जाला जिससे लैंडस्लाइड ना हो, ऊपर की मिट्टी स्लाइड होके नीचे ना आए, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ करने के लिए ना पहाड़ियों को इधर लगा दिए। देखो ऊपर से लगाए हैं जाले।
जी, हाँ आ जाओगे आप वीडियो में? क्या हाल है? बढ़िया। ये कौन सी जगह है? खजियां है। और रील बन रही है क्या? मैं पठानकोट जा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो पालमपुर से आया हूँ। ड्रिफ्ट कर रहा है गाड़ी। लोग असली एडवेंचर कर रहे हैं। चेन से कोई आवाज आ रही है, सब चेन के पॉकेट से ना। पूछते हैं भाई से, देख लेगा इधर आगे चल के कुछ होगा तो मुश्किल हो जाएगी। भाई यार आप हैं इधर? आप हैं? चेन के पॉकेट से ना कुछ आवाज़ आ रही है, मैंने चलते टाइम खट 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 अभी आने लगी। भाई देखते हैं क्या इशू हो गया अभी इसमें। तो भाई ये देखो, ये सब कचरा ना जाम कर दिया था इसको अंदर से पूरा, इसके चलते आवाज़ आ रही थी। सब कीचड़ी है ना भाई? हाँ जी, बारिश हो गया। हाँ उसकी वजह से हुई। चेन के जो फ्रंट पॉकेट में था ना वो फंस गया था मड वगैरह, वो शायद लग रहा होगा उसकी आवाज़ थी। एंड चेन भी पूरी ड्राई हो गई है, सुबह ही मैंने लूप की थी बट अभी बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हो रखी है। पठानकोट से पहले रुका हूँ और बाइक अपनी ही है। अभी भाई ने चेन लूप की और वो कचरा निकाल दिया जो फ्रंट पॉकेट में फंसा था। अभी आवाज़ तो नहीं करी है, ट्रायल करके आया हूँ। भाई रेन गियर उतार दिए, अभी फ्री होके खाना खाऊंगा और आपको दिखाता हूँ जूतों की शू कवर की हालत। देखो पूरे गंदे हो रखे हैं, पर इन्होंने मेरे जो बूट हैं अंदर, जो अंदर के जो बूट हैं ना, इनको काफ़ी प्रोटेक्ट किया, बिल्कुल ये अंदर से बिल्कुल साफ है। ये है अपनी सब्जी, बॉइल्ड है, मिक्स वेज है, बॉयल करके दी है इन्होंने, कोई तड़का नहीं लगा इसमें। ये अपनी चपाती। सो गाइस लंच हो चुका है और रेस्ट भी हो गई, अभी मैं निकल रहा हूँ पठानकोट के लिए। चलो जी, तेल तो पठानकोट तक चल ही जाएगा, डलवाने की ज़रूरत नहीं, उधर ही डलवा लेंगे पठानकोट में ही। सो गाइस अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैं अभी डायरेक्ट पठानकोट नहीं जा रहा हूँ, इंदौरा में काठगढ़ मंदिर है एक, वहाँ जाऊँगा पहले और उसके बाद फिर पठानकोट जाऊँगा, पास में ही होंगे फिर, वो तो ज़्यादा दूर नहीं है। ये वाला प्लान है एज ऑफ नाउ। यहाँ डमटाल के पास में से कहीं जाना है मुझे इंदौरा की साइड, और ऐसा लग रहा है टायर फ्लोट कर रहा है पानी में, जैसे हवा भरी हुई ट्यूब फ्लोट करती ना वैसे ये टायर फ्लोट कर रहा है इस कीचड़ के ऊपर, ऐसी फीलिंग आ रही है। चलो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे हम, पीछे आ रहा है ट्रक। काठगढ़ मंदिर यहाँ से जा सकते हैं क्या? पार्किंग है अंदर। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ काठगढ़ टेंपल, बहुत बड़ा मंदिर है, चलते हैं अंदर। Thank you.
काठगढ़ मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित है और ये हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित दुनिया का एक मात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग दो भागों में बांटा हुआ है और यहाँ पे ना भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा की जाती है। यहाँ शिवलिंग के एक भाग को भगवान शिव जी के रूप में और दूसरे भाग को माता पार्वती के रूप में पूजा जाता है। ये जो शिवलिंग है ना अपने आप ही दो भागों में बढ़ जाता है और फिर अपने आप ही इकट्ठा हो जाता है, एक बन जाता है। और ये शिवलिंग बोलते हैं गर्मियों में दो भागों में हो जाता है और सर्दियों में एक रूप हो जाते हैं। और इस शिवलिंग के बीच की दूरी जो बोलते हैं ना ग्रह नक्षत्रों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। ये था काठगढ़ महादेव के मंदिर के बारे में और अब इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ मैं। बोलते हैं शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में अपने बड़प्पन के बारे में युद्ध हुआ। युद्ध की जो भयानकता थी और महाप्रलय की आशंका को देखते हुए भगवान शिव जी जो प्रकट हुए एक ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में। और बोलते हैं कि युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शिव जी को ये ज्योतिर्मय लिंग का जो रूप धारण करना पड़ा वही ये काठगढ़ महादेव जो आज विराजमान है वही हैं। तो ये है इतिहास इसका। काठगढ़ मंदिर के पीछे ना इन्होंने बना रखा है बहुत ही सुंदर पार्क बना रखा है। मैं नीचे गया था बट धूप है वो ज़्यादा फिर मैं वापस आ गया। ये देखो सुबह इस काठगढ़ महादेव जी के दर्शन कर लिए, अब मैं निकल रहा हूँ वापस और शाम को रुकूँगा पठानकोट में। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ और आई होप आप सभी को ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और इस ब्लॉग में सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलूंगा आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, राइड सेफ एंड स्टे सेफ गाइज़।